As as students how are you all hope you are in good good health and good mood today we are going to study about the fourth uh, about the lesson name of which is a treat for mosquitoes and this is its fourth subtopic mosquito check let's begin divide your class into two or three groups each group will go around to check वन एरिया in school और अराउंड इट इट मस्ट केयरफुली नोट if water has कलेक्टेड anywhere and एंड मार्क वेर इट फाइंड water वाटर तो बच्चों हमें जो क्लास में जितने बच्चे होते हैं इनको दो या तीन ग्रुप्स में डिवाइड करना है फिर सब ग्रुप्स को एक एक साइड देना है स्कूल का और उनको देखना है कि एक साइड से कि आप वहाँ पर देखो कहीं पर रुका हुआ पानी तो नहीं है गमलों में तो पानी जमा नहीं है टायरों में या किसी बाल्टी में बकेट में किसी पॉट में या किसी भी जगह और वहाँ पे टिक लगाना है पॉट में तो यहाँ पे टिक कूलर में टैंक में एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड गटर एनी अदर प्लेस जहाँ पे भी आपको पानी दिखे वहां पे टिक लगाना सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर क्वालिक फिर लिखना है तकरीबन मतलब आपको अंदाजा लगाना है कितने दिनों से क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा जब आप खेलते कूदते हो तो स्कूल में वहाँ पर पानी नहीं था अब आपको बोलना है कि कितने दिन हो गए जब इसमें पानी जमा है दस हो गए पंद्रह हो गए महीना हो गया, जितना भी टाइम या कहीं पे पूरे साल भी पानी जमा रहता है कोई बड़ा सा गड्ढा होता है हैज इट काजट एनी प्रॉब्लम इन द एरिया क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम एरिया में हुई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेस क्लीन तो इन प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए किसकी जिम्मेदारी है हु इज़ सपोज टू द गटर्स एंड ड्रैन इज रिपेयर्ड तो

तो वो पानी जो है वो चीज़ें जो है पानी से खाली करो और उसका अगर गमले है तो पानी चेंज करो जो स्टेगनेंट रुका हुआ वाटर होता है क्योंकि इसमें लारवा पनपते हैं जिनसे फिर वो डेंगू वाले मॉस्किटोज बनते हैं मलेरिया वाले मॉस्किटोज बनते हैं तो फिर वो मलेरिया करते हैं इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्स फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड स्कूल और अगर आपको एरिया बड़ा है जिसको आप खुली नहीं कर सकते फिर उसको लेटर लिखो जो मैनेजमेंट होती है वहाँ की तो उसको बोलो कि ये जो एरिया हमें ये साफ़ होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है सर्वे रिपोर्ट सम चिल्ड्रन द सर्वे हियर आर सम ऑफ कुछ लोगों ने तो सर्वे किया देखो उन्होंने क्या पाया वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल तो सर्वे में क्या हमने देखा वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज कॉल्ड अलग अलगी भी बोलते है इसको अलजी भी बोलता है इट वो स्लिपरी आर दल से लॉर्ड जूरिंग द रे सीजन दैट दे आर सम्मॉल प्लांट्स डैट ग्रो इन वाटर तो कुछ स्टूडेंट्स ने देखा जब वो सर्वे कर रहे थे आप ही की तरह जो स्कूल के नल होते हैं उनके साइड में छोटे छोटे ग्रीन जैसे वो प्लांट्स तो उन्होंने बोला ये, ग्रीन ही कुछ होता है इसको अलजी बोलते हैं ये शायद ये होता है अलगी भी बोलते हैं इसको आधे एल जी बोल तो डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोनन्सियेशन यूज़ करोगे तो स्टूडेंट्स uh, बोलते हैं कि हमने जो देखा ये आई थिंक हमें लगा कि कोई प्लांट टाइप है क्योंकि छोटे छोटे ग्रीनिश एरिया और ये रेनी सीजन में ज्यादा ग्रो होते हैं दियर अ पॉन्ड नियर द स्कूल एट फर्स्ट यू कैन नाट सी द वाटर इन द पांड एट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लाट्स वन आर टी टोल्डी इन वाटर अराउंड द पांड देर We also saw some larva in the water as we moved around. Lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskira feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. So there is a pond near the school. School जो है उसके नजदीक एक तालाब है. आप वहाँ पे पानी देखोगे. लेकिन उसके ऊपर पूरे plants हैं. और एक आंटी ने हमें बोला, ये खुद ही ये plants इसपे मतलब उगते हैं. तो पहाड़ के साइड में पिट्स हैं उनमें पूरे साल पानी बता है जब बारिश आती है उनमें और पानी जमा हो जाता है और वह पानी जो गंदा पानी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है उसकी वजह से उसमें बहुत सारे मॉस्किटोज़ के लारवा पनपते हैं तो जस की रात एक लड़की तो उसने बोला कि हमारे घर में बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं तो हमें लगता है इस डटी पहाड़ की वजह से है क्योंकि ये हमारे घर के बहुत नज़दीक है तो वो मॉस्किटोज़ फिर हमारे घर आते हैं फिर आपको बोलना है इज देयर अर पांडा रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स क्या आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास ऐसा कोई पॉन्ड है अगर नजदीक नहीं है मतलब दूर ही सही थोड़ा सा लेकिन जिससे कि जिसके मच्छर आपके घर तक आ सकें तो आपको वहां जाके चेक करना है कि मतलब आ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कैन यू सी एल जी इन और अराउंड द दाटर वट एल्स द साइड और इन वाटर

तो कल हम पढ़ेंगे एस साइंटिस्ट पीप्स इंड मास्टरको स्टोमक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह